ग्वालियर में दूध की खाली टंकी में अवैध शराब को भरकर ले जा रहे दूध बेचने वाले दूधिया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे दूध की टंकी में भरी 10 पेटी अवैध शराब बरामद की है। दूध वाला शराब भरकर मुरैना बेचने के लिए ले जा रहा था। ग्वालियर थाना पुलिस ने हजीरा चौराहे के पास एक दूध बेचने वाले को गिरफ्तार किया। जब पुलिस ने दूध बेचने वाले दूधिये की टंकी खोलकर चेक की तो पुलिस के होश उड़ गए। गाड़ी पर टंगी चार दूध की टंकियों में दूध की जगह अवैध शराब भरी हुई थी, जिसमें दो टंकी में देसी सफेद और दो टंकी में मसाला देसी अवैध शराब के क्वार्टर भरे हुए थे, जिनकी गिनती करने पर 10 पेटी अवैध शराब निकली। जब पुलिस ने आरोपी दूधिये से पूछताछ की तो उसने अपना नाम धर्मेंद्र गुर्जर बताया। दूध वाला शराब तस्कर अवैध शराब को बेचने के लिए मुरैना ले जा रहा था। दूध में ज्यादा मुनाफा नहीं होने पर वह अवैध शराब की तस्करी करने लगा। पुलिस ने आरोपी की गाड़ी, दूध की चार टंकियां और अवैध शराब को जब्त कर लिया है। ग्वालियर किला गेट पुलिस को जो है मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जो है दूधिया है और दूध की आड़ में शराब का व्यवसाय कर रहा। तो उक्त सूचना पर हजीरा चौराहे के पास में घेराबंदी की और घेराबंदी कर उस दूधिया को तलाशी दी। तलाशी लेने पर उसकी दूध की टंकियों में करीब 81 लीटर 450 क्वार्टर देसी शराब के मिले, कीमती 30,000 रुपये के हैं। और टंकी में जो है धारा 34(2) एक्साइज एक्ट के तहत जब्त किया गया। दूधिया जो है मुरैना का रहने वाला है, धर्मेंद्र गुर्जर नाम है उसका और उससे पूछताछ की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।